दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के सेमथन बिजबेहरा इलाके में जेवा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में सीआरपीएफ की 90 बटालियन द्वारा एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 90 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट एमएएम रिजवान ने भाग लिया और इस अवसर पर अन्य अधिकारी और स्थानीय प्रख्यात हस्तियां उपस्थित थीं। शिविर के दौरान निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया और यूनिट चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तत्पश्चात लाभुकों को सामान्य आहार के लिए निशुल्क दवाइयां दी गईं। इस चिकित्सा शिविर की अनूठी विशेषता ये थी कि यूनिट के अधिकारियों ने पीआरआई के माध्यम से स्थानीय जनता से पहले से संपर्क किया और इलाके के पुराने रोगियों के नुस्खे प्राप्त किए जो विभिन्न बीमारियों के लिए लंबे समय तक इलाज के अधीन हैं और दवा के अधीन है और उन निर्धारित दवाओं को लाभार्थियों को प्रदान किया गया था। इस चिकित्सा शिविर में लगभग 300 पुरुष, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। कमांडेंट एमएएम रिजवान ने हमारे संवाददाता दानिश अहमद दार से कहा कि इससे पहले भी 90 बटा सीआरपीएफ ने अनंतनाग जिले के भीतर सरकारी प्राथमिक विद्यालय कांजीगुंड, बटांगू आयुष डिस्पेंसरी, हसनपोरा गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, बिजबेहरा, सेमथन और हल्ला मुल्ला आदि में कई नागरिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और उन्हें मुफ्त दवाएं, सैनिटाइजर, मास्क, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पूरक वितरित किए गए हैं। 90 बटालियन सीआरपीएफ ने भारत सरकार के बीपीएल बच्चों के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में भारत दर्शन पर्यटन का भी आयोजन किया। एचएस स्कूल और बिजबेहरा क्षेत्र में भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को ये भी आश्वासन दिया कि सीआरपीएफ हमेशा कश्मीरी लोगों की मदद करता है और समाज की शांति, समृद्धि और विकास के लिए सभी प्रयास करता रहा है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी स्थानीय जनता के लाभ के लिए इस तरह के सीवीआईसी कार्यवाही कार्यक्रम आयोजित करना जारी रखेंगे। अभी जो है ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ जेबापा फाउंडेशन में कर रहे हैं और ये जावेद अहमद टाक जी जो पद्मश्री हैं और जो ये इंस्टीट्यूशन पिछले 20 साल से चला रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए और उनके लिए स्पेशल जो कोचिंग यहाँ पे होती है और फिजियोथेरेपी होती है उन बच्चों को हमने टारगेट करके ये कैंप किया है और इनकी प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन जैसा कि अभी जावेद जी ने बताया काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन आती है तो ये हमने इनका प्रेस्क्रिप्शन ले करके और दो दो महीने का पैकेज बना करके ये हमने दिया है और इस तरह का कार्यक्रम हम पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे लगभग साल में 2 से 3 बार हो जाता है इस तरह का ये हम करते हैं तो पब्लिक कोऑपरेशन है और जैसे कि आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे करीब करीब 200-250 लोग हैं और नीचे एक कॉमन मेडिकल कैंप भी चल रहा है जो जनरल टाइप का और इस इलाके के जितने भी लोग हैं वो आकर के उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। 2 डॉक्टर्स हमारे वहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन, उनको देख रहे हैं, कंसल्टेंसी भी है और मेडिसिन भी प्रोवाइड जो है। पिछले साल हमने भारत दर्शन टूर पे भेजा था बच्चों को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेहरा के बच्चे करीब NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोदन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।